नमस्कार, एस्ट्रो इन्फॉर्मेशन ज्योतिष जानकारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित अनिल कोठारी एक बार फिर आप लोगों के लिए एक अद्भुत और बेहतरीन जानकारी लेके आया हूँ। मित्रों, मेरे को मेरी जानकारी तो बहुत बहुत अच्छी लगती है, जो कि मेरे दिल को तो छू जाती है। क्या आप लोगों के भी दिल को छूती है? यदि आप लोगों के दिल को छूती है तो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पर कमेंट अवश्य ही करिए। और इसके अलावा जो लोग भी मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, और पूर्व में भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है यदि उन्होंने कंटिन्यू बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको अवश्य ही प्रेस करिए। उसके द्वारा उसी से आप लोगों तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप लोगों तक पहुंचते हैं। शुरू करते हैं आज की जानकारी, और आज का टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि शनिवार के दिन मीठी रोटी खाने का क्या महत्व है, इससे क्या हो सकता है। शनिवार के दिन मीठी रोटी खाने के क्या फायदे हैं यह बताते हैं आपको। मीठी रोटी के आटे में गुड़ या चीनी मिलाकर बनानी चाहिए, और शनिवार के दिन उसको खाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि आप में शनि ग्रह से की कोई पीड़ा है, कोई साढ़े साती ढैया या शनि ग्रह की महादशा, इसके अलावा राहु केतु की कोई पीड़ा महादशा आप पे चल रही है तो उस पर तुरंत आराम मिलता है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि आप पे कोई कर्जा है, आपको कर्जदार बार बार परेशान कर रहे हैं, आप कहीं पे विवादों से घिरे हैं, विवाद आपके लाइफ से जाने का नाम नहीं ले रहा है, घर में आंतरिक कलह रहती है और घर में बेरोजगारी का साया, यानी कि धन का आगमन पूर्ण रूप से यदि बंद हो गया है, धन कहीं से नहीं आ रहा है, तो आप शनिवार के दिन शाम को मीठी रोटी अवश्य ही खाइए। आपको इसका परिणाम तुरंत ही देखने में आएगा, यानी कि फायदा जल्द ही आपके सामने होगा। इसके साथ साथ ही आपको और दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। मंगलवार के दिन भी मीठी रोटी खाने का बहुत बड़ा महत्व है। मंगलवार के दिन मीठी रोटी खाने का सबसे बड़ा महत्व यह है, यदि किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक तौर पे कोई कष्ट है, शरीर में कोई बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, आप डॉक्टर दवाइयाँ बदल चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो मंगलवार के दिन आप मीठी रोटी अवश्य ही खाइए। इसके अलावा खास तौर पे यह उनके लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, पुरुष हो कन्या हो, और वैवाहिक जीवन दूषित चल रहा है, तो मंगलवार के दिन आप मीठी रोटी अवश्य ही खाइए, तुरंत विवाह हो जाएगा और घर में जो दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन में जो कलह है क्लेश है उसमें भी तुरंत आराम देखने में आएगा। गुरुवार के दिन भी मीठी रोटी खाने का बहुत बड़ा महत्व है, शास्त्र सम्मत उपाय बता रहा हूँ मित्रों। तो गुरुवार के दिन का महत्व क्या है, यदि कोई व्यक्ति मंदबुद्धि है, विस्मृति है, भूलने की प्रवृत्ति है, बार बार भूल जाता है, और दिमागी असंतुलन है, पागलपन है, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए तो यह बहुत चमत्कारिक है, जो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं या उनको भूल जाते हैं तो उनके लिए तो यह रामबाण औषधि है। ऐसे बच्चों को शाम को गुरुवार के दिन मीठी रोटी अवश्य खिलाइए, और उन लोगों को भी जो मंदबुद्धि है, दिमागी असंतुलन या मेंटली तौर पे थोड़ा जो डिस्टर्ब है उनको अवश्य ही खिलाइए। शास्त्र सम्मत उपाय है जिसका परिणाम तुरंत ही देखने में आता है। तो मित्रों, कैसी लगी जानकारी? मैं पहले ही कह चुका हूँ, जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर कर सकते हैं, और वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप दे सकते हैं जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटीनुमा बटन दबाना आपकी मर्जी है। मेरा चैनल, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो ज़रूर दबाइए, कंजूसी ना करिए। तो मिलूंगा ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का भला हो।